अस्सलामु अलैकुम, मैं सैयद आरिफा फ़ातिमा, सोशल वर्कर, FMS वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी शरीफ दरगाह में तकसीम किया गया। वहाँ पर जो लोग घरों से निकलकर आते हैं इस उम्मीद पर कि हमें यहाँ पर खाना ज़रूर मिलेगा। FMS वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को इस बात की इत्तला है क्योंकि वहाँ पर इंक्वायरी की गई, जायज़ा लिया। इसी वजह से दरगाह पर जो लोग बेबस बेसहारा आकर के खाने के इंतज़ार में रहते हैं, FMS वेलफेयर ट्रस्ट की टीम ने वहाँ पर खाना तकसीम किया गया और ग्लोबल प्रेसिडेंट आरिफ हसन नवाज़ खान साहब के हक़ में दुआएं की गई कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जायज़ मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए और उनका जो सफ़र FMS वेलफेयर ट्रस्ट ओल्ड एज होम और ख़िदमत खल्क के लिए हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उनके सफ़र को कामयाबी अता फ़रमाए और तमाम FMS वेलफेयर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, उनके दोस्त अहबाब, इंडिया प्रेसिडेंट सैयद अब्दुल रहमान वसीम साहब के हक़ में और तमाम FMS वेलफेयर ट्रस्ट की टीम के हक़ में हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुनिया व आखिरत संवारे, उन्हें दोनों जहां में बुलंद वाला मुकाम अता फरमाए। FMS वेलफेयर ट्रस्ट को जिन्होंने ताउन किया, सखावत किया है, हम उनके आल औलाद के हक़ में, उनकी उम्र और दौलत में इजाफे के लिए, बरकत के लिए दुआएँ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उनकी दुनिया वाखिर संवारे। इसी तरह से हम और आप मिलकर इंशाअल्लाह ताला FMS वेलफेयर ट्रस्ट के इस खिदमत को अंजाम देंगे। दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह हाफिज़।